आ जाओ भगवान के पास जा रहा हूँ, खाट लीजो। हाँ तो ये, हाँ यहाँ इनको हाथ भी लगाओ, इनको सब कुछ करो, पैर भी लगा दो। हाँ पूरा बुलाते जाओ, ये इधर भी है, जुराब लेके गाली निकालते जाओ, बैठ लियो, काट लियो, उनके लाती भगवान ऐसे आ जाओ। भगवान जो खड़ना है, मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर पोटी कर रहा हूँ, जो खड़ना है खाड़ लियो। मैं तुम्हें ऐसे हाथ भी लगा रहा हूँ, मैं जो खड़ना है खाड़ लियो, मैं ऐसे लाती हूँ, अभी देते जाओ, बोलते जाओ। जो मैंने खाट दिया, अभी उधर माता के पास भी जा रहे हैं, माता की फोटो के पास भी बोलते जाओ। जो खड़ना खाड़ लिया, मैं भगवान ऊपर टॉयलेट भी कर रहा हूँ, भगवान माता के पास जा रहा हूँ, गंदे विचार आएंगे तेरे तेरे लिए, गंदे विचार आएंगे, जो खाड़ने खाड़ लियो। बोलते जाओ, बोलते जाओ, खड़ना खाड़ लियो, भगवान को पैर भी लगा रहा हूँ, जो खड़ना खाड़ लियो, बोलते रहो, बोलते रहो। माता के पास भी जा रहा हूँ, जिसकी दम मैं खाड़ लियो। यहाँ कोई कैलेंडर देखते हैं, यहाँ कोई कैलेंडर होगा है? इस वाले कमरे में। चलो बोलते जाओ। हाँ ये रहो, बोलते रहो, ये रहा माता का। हाँ इसको हाथ लगाओ, नीचा थोड़ा ऊपर से करके। हाँ ऐसे चिटकनी सी लगी हुई, निकाल लो, बोलते रहो, बोल खड़ना। इसको उतार ही दो, पाड़ना। हाँ हाथ भी लगा रहा हूँ, मैंने वहां इसको निकाल लो, निकाल लो, निकालो, निकालो, इसको बांध के रखो। हाँ इसको बांध देते हैं, आप रस्सी लेके आना मनीष, इसको खुद ठीक लग रहा है। अभी इनके हम बांधने वाले हैं, हाँ इसको हाथ में लेके रखो, अभी रस्सी से बांध देंगे। हाँ बुलाते जाओ विचारों को, अभी रस्सी लेके आओ मनीष, इसको बांध देते हैं इनके। मैं इसको अब जेब में डाल लूंगा। हाँ जेब में डाल लेंगे, बापू ले ले रहेगा किधर। अभी इनको डाल लिया। हाँ अभी बांधेंगे आपके। ये एक्सपोजर है ओसीडी का, सबसे बड़ा एक्सपोजर है रिलीजियस ओसीडी का। अगर आप इस एक्सपोजर को 21 दिन तक लगातार करते हो तो ओसीडी की छुट्टी पक्की। ओसीडी के इलाज के लिए फाइट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो अपने आप ही बांध रहे हैं, ये बांधना ही इलाज है। और ओसीडी से भागना, ओसीडी में फंसना है और इसका सामना करना ही इलाज है। तो अभी इस रस्सी से ये पैरों पर हमने माता की मूर्ति बांध दी है, इसको बांधो। हाँ पूरा आप बांध दो मनीष। हाँ मैं बांध देता हूँ, अब हम ये बांध दिया है। और अब आप ऐसे ही रहोगे, अब आप टॉयलेट करने जाओगे, ठीक है? वॉशरूम करके आओ, टॉयलेट में जाओ, ये टॉयलेट है इधर, टॉयलेट में जा रहे हैं तो ये जाइए और वॉशरूम करके आइए, उससे पानी गिरा के आ जाना है, ठीक है? हाँ अभी तो नहीं आ रहा है, वॉशरूम आ रहा है, चलो आ जाओ, अभी इनको आ नहीं रहा है तो कोई बात नहीं। जब टॉयलेट के हाथ इसके लगा दिए, हाँ ये हाथ लगा दिए इन्होंने मूर्ति के, वेरी गुड, ऐसे ठीक होते हैं। अगर ओसीडी में ये कर लेते हो तो ठीक होने से ओसीडी का बाप भी नहीं रोक सकता।
अब आपने इसके साथ ही सोना है, इसी के साथ रहना है और विचारों को बुलाते रहना है। अभी प्रद्युमन जी ने एक्सपोजर किया, सामना किया, और अभी तक इन्होंने पैरों के माता की मूर्ति बांध के रखी हुई है। कैमरामैन कैमरे से फोकस करके दिखा देंगे, ये देखिए, ये प्रद्युमन जी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से इस एक्सपोजर को किया है, तो इनका अब डाटा डिलीट हो चुका है। मैंने इनके एक्सपोजर करने का तरीका देखा तो बहुत अद्भुत इनका तरीका रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से आशीर्वाद ये है कि आपकी ओसीडी अब ठीक हो चुकी है, अब आप पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। आपके अंदर 20 लाख का डाटा था, आपने एक एक्सपोजर से ही 18 लाख का डाटा डिलीट कर लिया है, मात्र 2 लाख डाटा बचा है। आपने एक्सपोजर इतना तगड़ा किया कि 18 लाख का डाटा डिलीट हो गया, सिर्फ 2 लाख का डाटा बचा है। वो हम शाम को मंदिर में जाएंगे और चौरास्ते पर जाएंगे, वहां से वो डिलीट हो जाएगा। तो आज ही के दिन में आप सारा ठीक हो जाओगे, डाटा इसमें 0 बचेगा, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे एकदम। तो ओसीडी चाहे रिलीजियस हो चाहे कंटेमिनेशन हो, आपकी तरह एक्सपोजर करें तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अभी आप क्या कहना चाहोगे, क्या आपने सीखा, अभी क्या महसूस कर रहे हो? सर मुझे अपने आप पे और पहले वाली विचारों पे हंसी आ रही है। अच्छा, अब मुझे कुछ हो नहीं रहा। हाँ, कोई विचार आया? क्या क्या विचार आए? कुछ नहीं आ रहा सर। कुछ आ ही नहीं रहा, ब्लैंक है मन, मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस आने दे आने दे। हाँ, तो ये विचार, अब पाप का विचार आ रहा है? आने तो आने दे। हाँ, बुलाओ इनको, टॉयलेट का विचार आया? आ रहा है टॉयलेट का, फिर आना है तो आने दो इनको, जो बुलाओ इनको, सीमन को, भगवान का चिपकाने को, ये चिपका के रखा हुआ है, मैं माता के ऊपर सीमन लगा रखा है। हाँ हाँ, जो चिपका के रखा है। हाँ, मेरे शरीर पे ही है, शरीर के अंदर ही सीमन है, जो उखाड़ दे। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे आपसे बहुत खुशी है। जो ये टांग बनाता ही नहीं, और मैं अब टांग के ऊपर माता को रख रहा हूँ, जो मेरी टांग काटनी है तो हाँ काट ले साले, ओसीडी के विचार, उखाड़ ले मेरी टांग, उखाड़ के दिखा, करना है तो करके दिखा। हाँ, उखाड़ना है तो उखाड़ ले, ले मैंने तो टांग पे माता बांध रखी है, दे अब कर, जो उखाड़ना है तो उखाड़ ले। वेरी गुड, अब तुमने माता को, मेरे शरीर अंदर सीमन है और अब तो शरीर के अंदर टॉयलेट भी है, और जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, चाहे मेरे परिवार को जो कुछ करना है करना है, चाहे मुझे नर्क में भेजना है भेज दियो, जो उखाड़ना है उखाड़ लिया, मुझे पाप दे दियो, अब तो अब मुझे पाप मिल रहा है, अब मैंने भगवान की मोटर को पैर पे बांध रखा है तो मुझे पाप मिल रहा है, मैं पापी हो गया हूँ, जो नर्क में डालना है तो डाल दियो, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया एक्सपोजर किया और इसी एक्सपोजर के कारण आप ठीक हो रहे हो, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह से एक्सपोजर को रोज करेंगे, 21 दिन तक अगर आप लगातार करेंगे, आप इस जन्म के लिए ठीक हो जाएंगे। वैसे डाटा तो लगभग जा चुका है, और घर में जाकर के आप एक दो बार और कर लोगे, ठीक हो जाओगे। मंदिर के पास उधर मैं सोता नहीं था। हाँ, अब रोज मंदिर के सामने ही सोना है, अब तो पैर ही लगा दिया, तो अब देखिए बचा क्या है, उधर भी यही है। हाँ बस, तो अब देखो आप पैर की चिपका रखा है तो पैर किधर करके सो, और वो कहते हैं धरती तो गोल है, सारी दिशाओं में ही भगवान है, तो बताओ इससे तो मेरा वो पैर वाला तो बिल्कुल गया, बस पैर वाला जाना ही था, जब पैर ही भगवान ने बनाए। हाँ, तो बताओ भगवान को पैरों से कोई डर हो सकता है? इसके ऊपर मैं चल भी जाऊंगा अब तो मैं। हाँ, चल भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, गाली निकाला करो फुल जोर से, जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा अब तो। अब कोई विचार आ रहा है? नो विचार, वेरी गुड, आप एकदम आप ठीक हो चुके हो। अब तो बस हंसी आ रही है। हंसना है, हंसना ही इलाज है, और बाकी सोचना ही फंसना है। यही तो सर, मैं सोच ही नहीं रहा, अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, अब बाद में भी सोचूंगा तो कहूंगा वो भी ओसीडी ही है। हाँ, ओसीडी ही है। तो ऐसे आज आपने मूर्ति का सामना किया, ऐसे ही आप बाकी जो ट्रिगर हैं, और कौन कौन से ट्रिगर हैं? सर वही अभी लिख रखा है सर। हाँ हाँ, लिख रखा है, तो ऐसे ट्रिगर से आप कर लोगे सारा? जी सर। या फिर मैं करके दिखाऊं, इसमें इस फॉर्मेट में करके दिखाऊं, या अपने आप ही कर लोगे? कर लूंगा सर। सारे कर लोगे? चलो वेरी गुड, तो इसमें ट्रिगर बदलते रहेंगे और ये फॉर्मेट सेम ही रहेगा,
बाकी सारे ऐसे ही नकली हैं सारे। मेन तो सर सबसे बड़ा तो यही था, बस यही था, ये निकल गया। अब बाकी तो आप अपने आप ही निकाल लोगे सर। वही चुराहे वाला भी एक। हाँ चुराहे वाला, आप चुराहे पे चलेंगे ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में चुराहे का ये बना लेंगे, फॉर्मेट बना देंगे। एक चौराहे का फॉर्मेट मैं बना देता हूँ पूरा, और उसमें एक्सपोजर करवा देता हूँ, फिर आप ठीक हो जाओगे। तो अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर चौराहे का फॉर्मेट बना लेते हैं, और फिर एक कैथारसिस थेरेपी करेंगे, और फिर चौराहे पर चलेंगे। ओके, तो ये आगे के सेशन रहेंगे। अभी लगभग 2 बजे हम सेशन अगला स्टार्ट करेंगे चौराहे का, वो 3 बजे तक कंप्लीट होगा। फिर 3:30-4 तक वो कैथारसिस करेंगे, और फिर 4:30-5 बजे के करीब हम चलेंगे मंदिर में और चौराहे में, फिर अपना सेशन ओवर हो जाएंगे। ओके, और इसी मूर्ति को अब आपने चिपका के ही रखना है, खोलना नहीं है। रात को इसी के साथ ही सोना है, 24 घंटे इसी के साथ रखना है। जब हम वहां बाहर जाएंगे ना एक्सपोजर करने, तब खोल के जाएंगे, नहीं तो सोचेंगे, लोग सोचेंगे क्या कर रखा है। तो निकाल देंगे। हाँ बाहर निकाल के चलेंगे, यहाँ फिर आके बांध लेंगे फिर। ठीक है सर। फिर कल सुबह यहाँ से जाओगे तब आप खोल निकाल दोगे। ठीक है सर। अब गिनती वाला भी साइड पता है, तो गिनती भी नहीं, 14 गिनती से ज्यादा डर लगता है। 14 देखो 14 अंक ही है ना। फिर वही है, फिर वही उसमें बच्चों ने ऐड कर रखा है सर, डाटा ही ऐड किया हुआ है सर, वो भी। हाँ सारे 13, 12, 7 तीन तिगड़ा काम बिगड़ा डाटा ही है। 3 भाई भी तो होते हैं, 3 टायर भी तो होते हैं, 3 में तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं ना। अब मेरा मन को पता है, बस बताना था ये। अब तो ठीक हो गए 100%, वेरी गुड। अब तो बस जो एक बार कर लिया तो कर लिया, बस बस करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आपकी स्पीड बहुत हाई है, आप इशारों से समझने वाले बच्चे हो, आप कहां ओसीडी में फंस गए। आपको तो सिर्फ सही दिशा दिखाने भर की देरी थी, चलना तो आपने, दौड़ना है आपने। चलने वालों में नहीं हो आप, दौड़ने वालों में हो। तो आप जैसे इंसान बहुत कम है इस दुनिया में जो इतने समझदार हों, क्योंकि मेरा तो वास्ता हजारों ओसीडी वालों से पड़ा है। आप जैसी समझदारी बहुत कम लोगों में होती है। सर ये मुझे चुराहे का ही पता है, ये उसमें ट्रैफिक पुलिस खड़ा ही है चुराहे पर उस पर डरने क्या। हाँ तो चलो फिर भी कर देंगे चुराहे का, बाकी सारा समझ तो गए ही आप। हाँ उधर बस वो गोला गोला उसके लात मारने, गुस्सा आ रहा है मेरे को। ले चलेंगे गोले को, लात मारेंगे, गोला भी बना लेंगे। वो कुछ चढ़ा देते हैं उधर चुराहे पर, वो टोना क्या। हाँ टोना तो मिलेगा नहीं ना इस वक्त, कोई बात। वो आपने भी एक वीडियो बनाई हाँ, देखी थी। वैसे कोई चौरास्ते को रास्ता लात मारेंगे ना। हाँ। वहां पर कोई हंडी हुंडी पड़ी होगी, कोई नारियल पड़ा होगा, उसको लात मारेंगे, लात मार के आएंगे। ठीक है तो शाम को चलते हैं चौरास्ते पर, और मंदिर में भी चलते हैं। उससे पहले वो फॉर्मेट में बना दूंगा, और अभी आप रेस्ट कर लो इसी के साथ कुछ देर के लिए, फिर मिलते हैं 2 बजे। ओके बाय बाय। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद ना आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।